उत्तर प्रदेश में भले ही राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है, लेकिन राम के नाम पर सियासत चमकाने का काम लगातार जारी है। ताजा विवाद निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बीच जुबानी जंग से शुरू हुआ है। आप भी देखिए, दशरथ के तथाकथित पुत्र है, असली पुत्र वो श्रृंगेरी ऋषि निषाद। यूपी के प्रयागराज में 3 दिन पहले निषाद पार्टी के अध्यक्ष ने भगवान श्री राम पर ये विवादित बयान दिया था, जिस पर बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह ने तगड़ा प्रहार किया है। क्या इनकी माँ दाई थी क्या? जब राम पैदा हुए तो इनकी माँ दाई थी क्या? वहाँ पर नारे ने काटा था क्या? बीजेपी सांसद ने भी यह जवाब देते हुए कुछ विवाद तो जरूर खड़ा किया है। वैसे यहाँ ये बताना जरूरी है कि संजय निषाद अपने विवादित बयान पर माफी मांग चुके हैं। कुछ लोग इस गठबंधन को लेकर और भारतीय राजनीति उसको तोड़ मोड़ को पेश कर रहे हैं। अगर कहीं समय व्यक्ति शब्द निकले हैं, मैं प्रभु श्री राम से क्षमा चाहूंगा। जैसा कि नाम से पता चलता है, यूपी में निषाद पार्टी निषाद समुदाय की राजनीति करती है। 2017 के विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी सिर्फ एक सीट जीती थी। संजय निषाद ने यूपी में बीजेपी के साथ गठबंधन किया है। निषाद समुदाय के लिए आरक्षण की मांग पर बीजेपी पर दबाव बनाते रहते हैं, लेकिन अब की बार अपने बयान से ही बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं संजय निषाद। ABP News आपको रखे आगे।